जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसमें हम सभी ने 5 क्वेश्चन किए थे जीके के, 5 रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन किए थे फिजिक्स के। तो यदि आपसे 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन देख सकते हो। और देखिए, ये हमारा 2015 चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2016, 2017, 2018 और 2019 के भी क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे 16, 17, 18 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिस हो गए हो तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज ही क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि वॉट का 25% इक्वल टू 100। बताना है कि कितना प्रतिशत, कितना का 25% बराबर 100 होगा। तो चलिए बना लेंगे। वॉट का क्या का साइन है, फिर का मतलब होता है गुना मैथ में। अब हो गया 25, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे देना पड़ेगा 100 से भाग, तो हो गया 25/100 और बराबर में इधर चल रहा है आपका 100। ठीक है, अब क्या हो गया, तो वॉट गुना 25 बराबर में 100 गुना 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब क्या होगा, वॉट बराबर 100 गुना 100 बटा 25, तो 25 से 4 बार में कट जाएगा। अब क्या हो गया, वॉट इक्वल टू 4 गुना 100। टोटल आंसर कितना हो गया हमारा, 400, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर सवाल देख लेंगे। 27 नंबर सवाल दिया गया, यदि एक मोटरसाइकिल 75,000 में खरीद कर 60,000 में बेचा गया तो हानि ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, दिया हुआ कि यदि एक मोटरसाइकिल को 75,000 रुपए में खरीद कर 60,000 रुपए में बेच दिया गया तो हानि कितनी हुई। तो हानि बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितने में खरीदा जाता है, ठीक है, जितने में खरीदा जाता है उसे हम सब बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 75,000। अब जितने में बेचा जाता है उससे बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो कितने में बेचा गया है, तो देखिए बेचा गया है आपका 60,000 में, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया कितना, 60,000। अब आ गया आपका यहाँ पे हानि, तो हानि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, हानि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि कैसे निकालते हैं। तो देखिए हानि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, ऐसे होता है। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है आपका देख लो 75,000 और विक्रय मूल्य है आपका देख लो 60,000। तो 75,000 में जब 60,000 घटाओगे तो कितना आ गया, तो आपका आ जा रहा 15,000, मतलब उसको कितना का हानि हुआ, तो 15,000 का उसको हानि हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 28 नंबर सवाल दिया गया, कॉट 45 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, कितना होता है। तो देखिए कॉट क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, कॉट 45 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है और 10 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है, तो एक में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल दिया गया, 45,628 प्लस 58 माइनस 500 इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, आराम से जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले जोड़ते हैं, 45,628 प्लस में कितना है, 58, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और फिर इधर सेमेज हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, तो अब करना है 500 को घटा देना है, देख रहे हो आप सब यहाँ पे 500 को घटाना है, तो कितना आ गया, 6, 8, 1, 45, 45,186 कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल दिया गया, पाई इक्वल टू व्हाट, ए 7/22, बी 3.04, सी 3.14 या फिर डी 7। देखिए हमें पाई का मान बताना है, कितना होता है, 7/22 होता है, 3.04 होता है, 3.14 होता है या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 होता है।
तो देखिए यहाँ पे जो पाई का मान तो ऐसे 22/7 होता है, ठीक है, हम सब भी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन जब 22/7 को तोड़ते हैं तो 3.14 के रूप में टूटता है, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा है हो गया, तो 3.14। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल दिया गया 75/√225 = W/9 W/9। तो चलिए इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, 75/√225। देखिए 225 जो है वो आपका 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, अब क्या हो गया वॉट बटा नौ चल रहा है, अब ये क्या होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 75 × 9 हो गया और बराबर में वॉट गुना अंडर रूट। अब देखिए 15 का स्क्वायर मतलब क्या, 15 कैसे लिख सकते हैं, तो 15 लिख सकते हैं 2 ये हो गया, 75 से 9 में गुना करेंगे कितना बार में होगा, तो 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 9 से 63 और 4 कितना हो गया, तो 63 और 4 हो जाता है 67, ठीक है, 675 बराबर में हो गया वॉट गुना, 2 × √15 है तो अब क्या होगा, रूट टूटने के बाद 1/15 हो जाएगा, और फिर अब क्या होगा तो वॉट बराबर आपका हो जाएगा 675/15, 15 से 675 को काटेंगे तो 15 × 1 = 15 क्या हो गया, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, और फिर ये 7 बच गया तो 5, तो 15 × 7 = 15 = 75 = 45 आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल देख लेंगे। 32 नंबर सवाल दिया गया 300 का 6% = W कितना होगा, तो अब क्या हो गया 300 का मतलब गुना 6% हटाएंगे तो नीचे हो गया 100 ये 0 से ये 0 ये 0 से ये 0 अब क्या हो गया, तो अब हो गया 3 × 6 और 6 × 3 कितना हो गया 18 6 × 3 = 18 होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल दिया गया 4.50 × 5.75 = W कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे सिंपल गुना कर लेंगे, दशमलव को ध्यान में रखें, दशमलव का गुना का यही नियम है कि आप दशमलव को ध्यान में ना रखें, आप डेसिमल को पॉइंट को ध्यान में ना रखें, केवल सिंपल गुना करें, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करें, जो भी आंसर होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं 450 × 575 दिया गया ना, सिंपल इसे गुना कर लेंगे, 5 से 0 में गुना करोगे 0, 5 से 5 में गुना करोगे 5 × 6 = 25, हमारे यहाँ पे कैरी किया 2 हासिल रह गया 2, 5 × 20 और 2 हो गया आपका 22, 7 से 0 में गुना करोगे 0, 7 से 5 में गुना करोगे 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 28 और 3 हो गया आपका देख लो 31, 5 से 0 में गुना करोगे 0, 5 × 25 का 5 हासिल रह गया 2, 5 × 20 और 2 22 कितना बच रहा है 0, 5, 7, 5, 3, 8, 3, 2, 5, 2 कितना आ रहा है 25, 8, 7, 5, 0 क्या रहा है हमारा, हमारा रहा है 25, 8, 7, 5, 0 ये है हमारा आपने देख लो। अब इसमें क्या करेंगे कि दशमलव के गुना में क्या होता है कि देखो पहले नेचुरल गुना करते हैं उसके बाद जो दशमलव जुड़ जाता है आपस में, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होता है, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव होता है, दोनों अंक जुड़ जाएगा मतलब कितना हो गया 4 अंक के बाद हमारा दशमलव हो गया 4 अंक के बाद, तो 1, 2, 3, 4 4 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो क्या आ गया 25.8750 कहाँ पे दिया गया है 25.8750 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सवाल दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल = W बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ए पाई आर, बी 2πr, सी पाई आर स्क्वायर या फिर डी पाई आर बाई 2। तो देखिए इसका आंसर मैं आपके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन किया गया, इसका आंसर तो आप मुझे भेज सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर लिखना, उसका जो भी आपको ऑप्शन सही लिखता है वो लिखकर मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल दिया गया 150/30 × 5+40 = W तो बोर्ड मास से पहले अगर इस फॉर्म में चलेंगे तो पहले भाग फिर गुना तब जोड़, ठीक है, तो चलिए लिख देते क्वेश्चन को 150/30 × 5+40 ठीक है, 30 से 150 में भागा दोगे तो कितना बार में जाएगा, तो 30 × 25 = 150 5 बार में चला जाएगा, ठीक है, आगे 5 × 5 प्लस में हो गया 40, अब क्या हो गया फिर गुना तब जोड़, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 और प्लस में 40, 25 और 40 कितना हो गया, तो 25 और 40 ऑप्शन भी जानते हो कि हो गया 65 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 36 नंबर सवाल दिया गया कोसेक 30° = W ए 1, बी 2, सी 1/2 या फिर डी 1/√2। तो देखिए कोसेक 30° का मान होता है 2, कोसेक 30° का मान कितना होता है, तो कोसेक
30 डिग्री इक्वल टू वैल्यू जो है वो होता है 2, 2। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल करना। 37 37 नंबर सवाल दिया गया, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कितना होता है? तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले आराम से, 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया तो 64 होता है। तो 9 4 13 का 3 हासिल 6 4 10 और 1 11 113 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कर लेंगे। 38 नंबर सवाल दिया गया, 150 का 50% प्लस 60 का 50% इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 150 का मतलब गुना 50% हटाएंगे तो नीचे हो गया बड्डा में 100, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 60 का मतलब गुना 50% हटाएंगे तो नीचे हो गया बट्टा में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, वापस ऐसे ही होगा। तो अब क्या हो गया, अब हो गया आपका 15 गुना 5 प्लस में 6 गुना 5, तो 15 5 होता है आपका 75 और 6 5 होता है 30, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा, फिर से देख लेंगे, 15 5 कितना हो जाएगा, तो 15 5 हो जाएगा आपका, देख लो 75 और 6 5 हो जाएगा कितना 30, तो 75 और 30 हो गया आपका देख लो 105 हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल कर लेंगे। 39 नंबर सवाल दिया गया, x बराबर 10 तथा y बराबर 40, तो 2xy/2 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 2 × x का मान कितना हो गया 10, y का मान कितना हो गया 40 और लास्ट एक बट्टा में 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया 10 गुना 40 और 40 दहिया हो जाता है देख लो आपका 400। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 और मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर सवाल कर लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया, आयत का परिमाप इक्वल टू व्हाट, ए एल प्लस बी, बी 2 × a + b, सी एल इंटू बी या फिर डी एल इंटू बी बाई बी। तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, या आप कमेंट बॉक्स में जाओ, मैंने आज आपसे टोटल 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर लिखना, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे लिखकर भेजो, मैं बताऊंगा आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैथ सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल से लेकर 50 नंबर सवाल तक करने वाले हैं केमिस्ट्री, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल, नंबर 41 41 नंबर सवाल दिया गया, कांसा मिश्र धातु है AcU+ZN, BcU+SN, CpB+SN या फिर DpB+Cr+Ni, कहने का मतलब है कि कांसा जो है मिश्र धातु वो किन किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है, Cu+SN, ठीक है, या फिर Cu+ZN, Cu+SN, तांबा प्लस जिंक हो गया, तांबा प्लस कांसा हो गया, ठीक है, तांबा प्लस टीन हो गया, ये PbPlusSn और PbCrNi। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कांसा जो है वो मिलकर बना हुआ है Cu+SN से, ठीक है, कांसा किससे मिलकर बना है, तो कांसा बना हुआ है Cu+SN से मिलकर, किस किस से, तो कॉपर और आपका हो गया कौन सा, तो टीन से। तो चलिए अब हम सभी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे, 42 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल दिया गया, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, हमें यहाँ पे सिंदूर का रासायनिक सूत्र बताना है क्या होता है, AHGS, BHGO, CHGCl2 या फिर HG2Cl2। तो देखिए सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है HGS, क्या होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन कठोरतम धातु है, ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम या फिर डी टंगस्टन। तो देखिए सबसे कठोरतम धातु जो है वो होता है प्लेटिनम, क्या है, तो प्लेटिनम ऑप्शन नंबर सी, और वो हो गया आपका प्लेटिनम। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेते हैं, 44 नंबर सवाल दिया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है, ए बेकिंग सोडा, बी सोडा एस, सी सोडा लाइम या फिर डी धोवन सोडा। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो है बेकिंग सोडा, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल कर लेंगे, 45 नंबर सवाल दिया गया, किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी, ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी मैडम क्यूरी, आयरिन क्यूरी या फिर डी जॉन डाल्टन। तो देखिए यहाँ पे जो इतने वैज्ञानिक के नाम दिए गए उनमें रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी,
चलिए यहाँ पे हमारा 45 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 46 46 नंबर सवाल दिया गया, नाभिकीय विखंडन में ईंधन का काम करता है, बताना है कि नाभिकीय विखंडन में ईंधन का काम कौन करता है, ए कोयला, बी यूरेनियम, सी रेडियम या फिर डी डीजल। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में जो है यूरेनियम ईंधन का काम करता है, कौन करता है ईंधन का काम, तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम जो है ये आपका ईंधन का काम करता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 हो गया 47 देख लेंगे। 47 47 नंबर सवाल दिया गया, गैसों के विसरण का नियम ने प्रतिपादित किया, बताना है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ए बॉयल, बी चार्ल्स, सी एवोगाड्रो या फिर डी ग्राहम। तो देखिए गैसों के विसरण का नियम जो है उसे प्रतिपादित किया था, गैसों के विसरण का नियम जो दिए थे वो है ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 48 48 नंबर सवाल दिया गया, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ए अम्ल, बी भस्म, सी लवण या फिर डी इनमें से कोई नहीं, बताना है कि इनमें से कौन जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो होता है आपका अम्ल, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 नंबर सवाल दिया गया, दूध का पीएच मान होता है ए 6.1, बी 6.6, सी 7.4 या फिर डी 8.0। तो देखिए दूध का जो पीएच मान है वो होता है आपका 6.6। क्या होता है दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान जो है वो आपका बी नंबर ऑप्शन 6.6 होता है। चलिए हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन 2015 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर सवाल 50 नंबर सवाल दिया गया, पटाखे का विस्फोट का उदाहरण है ए वाष्पन, बी दहन, सी वर्षण या फिर डी अपघटन। तो देखिए पटाखे का विस्फोट जो है वो उदाहरण होता है दहन का, किसका उदाहरण है पटाखे का विस्फोट, तो पटाखे का विस्फोट जो है वो उदाहरण है दहन का। चलिए इसी के साथ हमारा 2015 का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब फिर मिलेंगे आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ। अब यहाँ से जो है हमारा देखो 2015 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम सभी वापस 2019 के अलग अलग जोन्स के क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं टेक्निकल वालों के लिए, जो कि हमारे 2019 के ही पेपर होंगे लेकिन वो अलग अलग जोन के होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इतना ही, या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।